जबलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, जबलो चौबीसों भगवान की, जबलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, जबलो भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, जबलो प्रज्ञाशमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग व्यवस्थित होकर अपने स्थान पे पहुंच जाएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलाष्टक प्रारंभ, थोड़ा थोड़ा हाथों की शुद्धि कीजिए। ओम रीम असुजर असुजर भव स्वाहा श्रीमन्नम ऋषुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगुतास ते पाठका साधवा तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवा कुरुवन्तु ते मंगलम कुरुवन्तु मे मंगलम कुरुवन्तु नो मंगलम। इत्थं श्री जिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणी सुमहोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणामुषा ये श्रणवन्ति पठन्ति तैस सुजनैर्धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि कल्याण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्री पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रघुदर्भ कारुणमणि भव्योग चिंतामणि अशांता जय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आगारा भे भेषज शारदानतावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण की धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास ने एकमात्रम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जरा सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पारस चैनल के दर्शकों को बताना है कि आप सभी ये सीधा प्रसारण प्रतिदिन की भांति जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन ससंग सानिध्य में पंचामृत अभिषेक देखते हैं। यहाँ पर आज से समव शरण मंडल विधान का आयोजन हो रहा है, जो कि महाराष्ट्र से आए हुए भाई पंकज जी शाह पूना और उनकी समस्त स्वाध्याय मंडल की टीम पूरे महाराष्ट्र की आई हुई है। सभी यहाँ पर सम्मिलित होकर के अभिषेक का लाभ लेंगे और 30 तारीख तक ये विधान चलेगा। इसकी शांति धारा में कोई भी महानुभाव अपना नाम लिखाना चाहें तो नाम लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं, मात्र 5100 रुपये में ये लाभ उनको प्राप्त होगा। तो जिनको भी घर बैठे इस विधान में सम्मिलित होना है वे अपना नाम लिखा सकते हैं। प्रतिदिन सौधर्मेंद्र इस विधान के हमारे भाई पंकज जी शाह और उनकी धर्मपत्नी जी के सभी अभिवादन कर रही हैं। सौधर्मेंद्र जो भी यहाँ पर, हाँ जो हमारे भाई दीपक जी ध्यान दीजिए, प्रतिष्ठाचार्य जी सबके नाम लिख के दे दीजिए जो लोग शांति धारा कर रहे हैं, और आप भी यहीं पे आ जाइए हमारे पास में। चलिए जल का कलश हाथों में ले लीजिए बिना किसी औपचारिकता के। पूरी हो रही है क्रियाएं, सभी पूर्व में कर ली गई हैं, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणीय त्रैलोक के भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम क्षीम हम सा
त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। नारियल के रस से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझे वचन इसके सदसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम भम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नाली के रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लियांगे माधुर्य पूर्ण युतिये रस इच्छुकांगे, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसा अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति। घी से अत्यंत पुष्टि करी ये ग्रत तृप्त कारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से भी अभिषेक चल रहा है, उसको भी हमारे पारस चैनल के दर्शक देखिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ दीजिए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पारस चैनल के दर्शक ध्यान दीजिए, अयोध्या तीर्थ से भी जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव का आप सभी अभिषेक देख रहे हैं। इसके साथ साथ घी दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधार है, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति। दही से जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, शिरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम धम धम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव मिलाए करके, सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से सार रोग हर हेतु करु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रा अशिया उषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशा जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन गोगी सांगे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम
वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक स्वामिनो कल्कैचूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमनाः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोज्ज्वलाक्षतमनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकाले कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण कलश सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित अभिषेक करूं प्रभु का कैवल्य ज्ञान मई आत्म ज्योति पाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक स्वामिनो। पूर्ण कलसा अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चले शांति धारा, बीच में भाई पंकज जी शाह और दोनों तरफ जो जिन महानुभावों ने कल अपने नाम लिखाए थे रात्रि में, वो हैं ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणादेश दोलकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर पापप्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सरोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रौं रा अरमस्या उषा नमः। मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश जी, संजय कुमार जी, अजय कुमार जी दीवान सूरत, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मन लाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचल कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश राजकुमार, विनोद सुनील मनीष एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, प्रदुमन जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, सपरिवार से स्वास्थ्य लाभ हेतु शुभम जैन, प्रवीण जैन, निधि जैन, अद्रिका जैन, स्नेहा जैन, हर्षिन अरविंद जैन बीड महाराष्ट्र, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन, कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, सुमेर जी काला नासिक, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन आध्यात्म सिद्धार्थ पुत्र अमृत आगम चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आतुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक भाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायरा रामशरण्या सेठी डीमापुर, श्री जमुनालाल जी लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येशा हीना माही पुण्याचार्वी वीर अपावत परिवार मुंबई,
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनक्लेव दिल्ली सपरिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था, अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, नीलम, इंद्रनील, संवर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक, बक्सी परिवार, दादर मुंबई, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता, पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला, अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रीयांश जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन, श्रीमती धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या, यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन अतिशय आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी, देव्यांशी जैन सरदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, श्री पिंसु, मृदुल जैन, सुभि जैन नेपालगंज सपरिवार से, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार अग्रवाल सपरिवार लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ जैन, प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना, महक जैन, श्री नमिता, पुखराज, नीलम, विजय, नीतू, अनिल जैन कूचबिहार पश्चिम बंगाल, श्री रमेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती संतोष जैन पुत्र श्री विकास जैन दिल्ली, श्रीमती निर्मला जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन दिल्ली, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, राम गोपाल जैन यूएसए वाले न्यू दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती तारामणि, नरेंद्र जैन कासलीवाल, मोहनवाड़ी जयपुर, प्रभु प्रेषक, हेमगिरी, हर्षा जैन कासलीवाल, मोहनवाड़ी जयपुर सपरिवार से, श्रीमती कस्तूरीबाई, फूलचंद दोषी के सवे जन्मदिन पर, श्रीमती शील प्रभा, अशोक जी, सुरेखा, अरविंद, अलका, अनिल, शुभांगी, अजित, सुषमा, प्रदीप, राजश्री, मिलिंद दोषी परिवार, महावीर मेडिकल, फल्टन सतारा, इन्होंने मंदिर निर्माण में 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है, संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद, श्रीमती शोभा पाटनी, श्री डॉक्टर सचिन, सपना, दिनेश, वैशाली पाटनी मालेगांव, श्रीमती चांद देवी कासलीवाल किशनगढ़ अजमेर, श्री प्रेमचंद जैन स्वास्थ्य लाभार्थ रोहिणी, श्री पवन कुमार, उषा जैन बेंगलोर, विनीता, वीना जैन चारवी, अर्णव जैन
समस्त पद्मावती पुरवाल परिवार, कमल रानी वाला, श्यामा रानी वाला, मंजू रानी वाला, संतोष बाकलीवाल जयपुर मुंबई, जय श्री अश्विन शाह मुंबई, दिलीप शाह चेंबूर मुंबई, सपरिवार से श्री पंकज जी शाह, धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति रूपाली शाह पूना, सौधर्मिंद्र सपरिवार से, सब लोग अपना अपना नाम ले लीजिए, मम चा मम परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनी कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहिनी कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मानम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मायाम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व लोभम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व रागम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व गजभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सिंहभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व अग्निभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सर्पभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्धभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर बकंदर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व निगडादि बंधनभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त वाष्प चरण व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटना व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिन शकिन्यादि व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व व्यापारानि व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व राज व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व चोर व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दुष्ट व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व शत्रु व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सांप्रदायिक द्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व शोक व्यम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वैरम चिंचिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आर्तरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन, सर्व आयशा चिंचिंदी बिन, सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन, सर्व पापम चिंचिंदी बिन, सर्व विद्याम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिन, सर्व भयम चिंचिंदी बिन, सर्व क्रूर ग्रहयम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर जय कर जिका मणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैधानायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीर आदवीर वर्धमान नमालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रभा सर्वे जिन भक्ता सुखन भवंतु, ओम रीम जीम क्ली मेमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भर क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तनापुर तीर्थ नाम नगरे वीर निर्वाण सम्मत 2548 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे श्री समोसरण महामंडल विधान अवसर विधिमान एम शांति धारा सर्व देशे राजे राष्ट्रे पूरे ग्रामीण नगरे सर्मुनिहारिका सावक्षावकाणाम चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व पूजकानाम सर्वभक्तकानाम सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तिन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल अनुकूल गति गात मनम गाते गाते उद्रा गात राके सुखम जाते जाते ओम नीम त्रि शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मस्तकश्योपरि शांतिधाराम करो चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व पूजकानाम सर्वभक्तकानाम सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु वसाय स्वाहा। संपूजकानाम प्रतिपालकानाम यतीन्द्र सामान तपोधनानाम देशस्य राष्ट्र पुरस्य राजा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रगे जिन नाथ माम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अर्चना फल चढ़ा लीजिए। स्नानानंतर मरता स्वयमपि स्नानाम्बुसे साधतो वार्गन्धाक्षत पुष्पदाम चरुकै सदीपे सदूपे फले कामोदाम गजांगुशम जिनपतिम स्वभ्यर्चम संस्तौतिया यास्यादा रविचंद्रमक्ष सुखम प्रख्यात कीर्ति ध्वजा। इति अर्चना फलम निर्वपामिति
सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षा दीप धूप बल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वच का ओ करुणानिधि भवत कुमेतो याते में पूजो प्रभुपा ओम नीम त्रि ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वतस्य उपरि विराजमान सदाश्वत उत्तुंग श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय गोम देव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम नीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंग्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। राजधानी दिल्ली में भरत चक्रवर्ती भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूम फलार्घ कई ध्वनि मंगल गानी रवा कुली जिन ग्रही देव महामुनि जी। देखिए बड़ी माता जी को वहीं से आप लोग ओम नीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में लोक में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सौधर्मिंद्र एक कलश में गंधोदक लेके और अर्घ लेके पूज बड़ी माता जी के पास आ जाए। पिची कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करेंगे अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण कर देंगे। युग की पहली ज्ञान मती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन बदवा लग कर मेरा मन भी पावन है। ये रखा है नीचे रखा है पंकज जी। बंधुओं आप सभी को बताना है कि अयोध्या तीर्थ विकास का क्रम चल रहा है। जो भी महानुभाव कल भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती का पावन दिवस है, बहुत से लोग सोचते हैं भगवान के जन्म दिवस पर ही हम उनके जन्म स्थान पर अपनी अपनी शिला लगाएंगे, तो कल वो पावन दिन है कि भगवान ने करोड़ों वर्ष पूर्व अयोध्या के अंदर जन्म लेकर के धर्म का प्रतिपादन किया। ऐसे भगवान ऋषभ देव कि जन्मभूमि में आपको अपनी तरफ से शिला लगाना है। 108 शिलाएं लगाने वालों का नाम शिलालेख पर अंकित किया जाएगा और जो भी लोग 11 21 51 शिला देंगे उन सभी के जो है शिलाएं वहां पर ली जाएंगी, लेकिन 108 शिला वालों का नाम ही शिलालेख पर अंकित किया जाएगा। 1100 शिला देने वाले का नाम भी वहां पर अंकित किया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी स्वीकृति हमें भेज सकते हैं। प्रतिदिन शांति धारा कराने के लिए मात्र 1100 रुपए की राशि बोल करके आप अपना नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में उच्चारित करवा सकते हैं। हम आपके नाम से यहां पर शांति धारा की जाएगी। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी और प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी हमारे बीच में विराजमान है। चलिए हम पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आज इस पावन अवसर पे। जब लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्या बात है। जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। माता जी का माइक चालू करें भैया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब लो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सब लोग बैठे तुरंत बैठे। समो शरण का सुंदर नजारा यहाँ पर उपस्थित हुआ है। भव्यात्माओं ऐसी पावन धरा जहाँ आज से लाखों करोड़ों साल पहले तीन तीन बार समोसरण बने भगवान शांतिनाथ का, भगवान कुंतुनाथ का और भगवान अरहनाथ का। तीन बार तो नेचुरल प्राकृतिक समोसरण बने और आज उसी धरा पर एक कृत्रिम समोसरण
देश से आए हुए लघु भारत के रूप में स्वाध्याय मंडल के भक्तों ने बनाया है और उसके समक्ष आपने अभी अभिषेक भी किया है। समोसरण क्या चीज है, आपको लगातार पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से जब ज्ञात होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम साक्षात समोसरण में आज इस पंचम काल में भी बैठे। आज चूंकि विधान का प्रारंभिक दिवस है तो गुरु आज्ञा और आचार्य निमंत्रण की बेला है। विधान के सौधर्मेंद्र भाई पंकज जी शाह सचिव इंद्राणी के साथ आएंगे और हमारे विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी विजय कुमार जैन और सांगली महाराष्ट्र से पधारे उच्च कोटि के विद्वान संहिता सूरी पंडित दीपक जी जैन उपाध्याय, इनका दोनों का आचार्य निमंत्रण भी यहाँ करेंगे। पंकज जी शाह आइएगा आचार्य निमंत्रण के लिए, पहले गुरु आज्ञा। पहले दोनों प्रतिष्ठाचार्य महोदय श्रीफल चढ़ाकर और सौधर्मेंद्र भी पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी, जिनके अभी विराजमान होते ही पंकज जी के मुख से निकला माता जी मंदिर में भगवान विराजमान हो गए। एक बार जब संभावना बनी कि पूज्य ज्ञानमती माता जी का सानिध्य शायद नहीं प्राप्त हो पाएगा तो पंकज जी आज उस प्राप्ति के अवसर पर बोल रहे मंदिर में हमारे भगवान विराजमान हो गए। अर्थात जिन्होंने एकलव्य की तरह गुरु द्रोणाचार्य के समान गणी ज्ञानमती माता जी की भक्ति कर करके अपने स्वाध्याय को वृद्धिंगत किया है, अपने ज्ञानावरण कर्म का खूब क्षयोपशम किया है, जन जन को ज्ञान वितरित कर रहे हैं, ऐसे पंकज जी को आज और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती रूपाली जी को सचिव इंद्राणी बनने का और साक्षात समोसरण में भक्ति करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है इसकी सराहना सब लोग एक बार जरा ताली बजाकर सौधर्मेंद्र के पुण्य की सराहना कीजिए। आपके चेहरे खिल जाते हैं जब पंकज जी आपको कुछ संबोधित करते हैं, यह आपका ज्ञान के प्रति आपकी विनय है और ज्ञानी के प्रति भी विनय है। 16 कारण पर्व चल रहा है, हस्तिनापुर जैसा पावन तीर्थ है, समोसरण जैसा महान मंडल विधान है और उस विधान को लिखने वाली साक्षात सरस्वती की जीवंत प्रतिमा पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य है। तो क्या समझो आप चारों धाम की यात्रा करने के लिए चार चतुष्टय के समक्ष बैठे हैं, चार चतुष्टयों को प्राप्त करके विशेष पुण्य का अर्जन करने जा रहे हैं। आइए दोनों प्रतिष्ठाचार्य जी और पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी से निवेदन कीजिए। हे गुरु नाम गुरु माता, आपकी भाषा ही मैं बोल रही हूँ। पूज्यगणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, हम आपकी पावन संघ सानिध्य में समोसरण मंडल विधान करने के लिए हस्तिनापुर में पावन तीर्थ हस्तिनापुर में देश के विभिन्न भागों से कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश और बंगाल
इन सब स्थानों से आकर के यहाँ पर समो शरण विधान में आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। आप हमें आज बोलिए पंकज जी, आप हमें आज विधान को प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदामी 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 वंदामी। और हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी दीपक जी और विजय कुमार जी भी पूज्य माता जी से आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु का वरद हस्त अपने मस्तक पर हो, फिर सारे कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये गुरु आज्ञा की औपचारिकता हुई है और अब आचार्य निमंत्रण के रूप में हमारे पंकज जी शाह दोनों विद्वानों का तिलक करके और आचार्य निमंत्रण कर रहे हैं कि आप महानुभाव विद्वत समूह हमारे मंडल विधान को खूब विधि विधान पूर्वक संपन्न कराएं, ताकि समोसरण की आराधना करने का पुण्य हम प्राप्त कर सकें। चलिए तिलक कीजिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मो सुमंगलम, कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु, दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र समृद्धिरस्तु, आरोग्यमस्तु अभिमतार्थ फलाप्तिरस्तु, भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु, भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। ये आचार्य निमंत्रण हुआ और अभी कुछ ही देर में झंडारोहण की क्रियाएं संपन्न होंगी। उससे पूर्व परम पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी अपनी पावन स्वीकृति और समोसरण मंडल विधान को सानंद निर्विघ्न उत्साह पूर्वक प्रभावना पूर्वक संपन्न करने के लिए माइक लगाइए। बहन जी माइक लगाओ, माइक लगाइए। पूज्य माता जी आप सबको और विशेष रूप से विधान करने वालों को, सौधर्म इंद्र को, हमारे विद्वत गण को मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और विधान प्रारंभ की मंगल बेला में आप सब जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, बहुत सारे स्वाध्यायी जन भी जो हस्तिनापुर नहीं आ सके हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन श्रवण करें। और सब लोग अब थोड़ा सा मौन हो जाइए, सब नमोकार मंत्र 9 बार नमोकार मंत्र जपिए मौन पूर्वक, 9 बार नमोकार मंत्र जपिए मौन पूर्वक, बिल्कुल आवाज नहीं। नमोस्तु भी करना है तो दूर दूर से मन में करना, क्योंकि ये पावन क्षण है और आप सबको पूरा पूरा आनंद भी लेना है। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से मंगल उद्बोधन प्रवचन। प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज शीतलनाथ भगवान का गर्भ किराणक दिवस है,
मंत्र बोलेंगे, ओम रीम गर्भ कल्याण प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम गर्भ कल्याण प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। 16 कारण पर्व का मंत्र बोलेंगे, ओम रीम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम रीम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। पुनश्च समोसरण का मंत्र बोलेंगे, ओम रीम चतुर्निषत् तीर्थंकर समन्वित। ओम रीम चतुर्विंशति तीर्थंकर समन्वित। ओम रीम ओम रीम समोसरण विभूति समन्वित। ओम रीम समोसरण विभूति समन्वित। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम रीम समोसरण विभूति समन्वित। ओम रीम समोसरण विभूति समन्वित। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम रीम चक्रवर्ती श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ये चैत्र शुक्ला अष्टमी मंगल वेला और समोसरण के अधिनायक समोसरण के स्वामी से भगवान शांतिनाथ और 24 तीर्थंकर सब यहाँ विराजमान हैं। उनके छत्र छाया में बैठकर, उनके चरणों की छत्र छाया में बैठकर हम और आप ये समोसरण की रचना करके और साक्षात भावना भाएं कि हम समोसरण में बैठे हैं, समोसरण में साक्षात समोसरण में बैठे हैं। जिन प्रतिमा जिन सार की सब कुछ देन समर्थ। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं जिनेन्द्र भगवान के समान सब कुछ देने में समर्थ हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान कर हम और आप चिंतन करें कि हम और आप साक्षात भगवान शांतिनाथ के समोसरण में आए हैं। समोसरण ऐसा पवित्र पावन दिव्य स्थान है, ऐसी दिव्य सभा है जहाँ पहुँचकर प्रत्येक भव्य प्राणी अपनी संसार परंपरा को छोटी करने संसार परंपरा को कम कर देते हैं। दो तीन भव अथवा सात आठ भव प्राप्त करके नियम से आत्मा को भगवान परमात्मा बनाएंगे। ऐसे समोसरण में बैठकर हमें ये भगवंतों की आराधना आराध्य बनाएगी। आराधना से ही आत्मा और भगवान ने चैत्र कृष्णा नवमी को ही जनेश्वरी दीक्षा ली है प्रयाग में। दो तीर्थों का संबंध और जुड़ गया है, अयोध्या प्रयाग। और प्रयाग में ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और यहाँ पर हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ को जन्म लेकर भले ही अरबों खरबों वर्ष हो गए, फिर भी आज ये धरा पवित्र है, पावन है। यहीं पर भगवान का समोसरण कभी साक्षात कुबेर ने बनाया था और यहाँ दिव्य समोसरण अभी बना हुआ भी है, वहाँ भी एक दिन आपको ले चलेंगे।
सुमेरु पर्वत जहाँ पर भगवंतों का धर्माभिषेक होता है वो भी यहाँ मौजूद है। सारे भारत में ही नहीं विश्व में एक ही सुमेरु पर्वत जहाँ पांडु शिला पर कल भगवान का अभिषेक करेंगे भगवान शिवदेव का। ऐसे ही से पवित्र पावन तीर्थ पर और इस 16 कारण अनादि निधन शाश्वत 16 कारण पर्व अनादि निधन शाश्वत 16 कारण पर्व के मंगल अवसर पर भगवान शांतिनाथ की आराधना और 2400 तीर्थंकर भगवंतों के समाचरण में बैठकर पूजा करना बहुत बड़े पुण्य का योग आया है। बहुत बड़े पुण्य के क्षण हमें और आपको प्राप्त हुए हैं। ये पुण्य के क्षण हमारे जीवन में आपके जीवन में मंगलमय हो और आप लोग हमारे विधानाचार्य और हमारा संघ सब यहाँ उपस्थित रहे सकुशल रहे। आप लोग सब निराबाद निर्विघ्न सुखद वातावरण में पवित्र वातावरण में और भक्ति के वातावरण में इस विधान को संपन्न करके सातिशय पुण्य का संपादन करें यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की बहुत ही अच्छे लग रहे थे सब लोग बहुत साइलेंटली बैठे थे। अब ऐसे हाथ जोड़ करके और भगवान के समोसरण की वंदना कीजिएगा। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था समवसरण आया था मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था समवसरण आया था मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया। करोड़ों साल पहले हजारों साल पहले भी ऋषभ महावीर इस धरती पे खाए और खेले भी। भारत की धरती पर तब स्वर्ग उतर आया था स्वर्ग उतर आया था मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। आपको हमको नहीं मालूम कि जब साक्षात समोसरण बनते थे और अभी ज़्यादा नहीं 2500 साल पहले विपुलाचल पर्वत पर राजग्रही में भगवान महावीर का समोसरण बना। आपको किसी को मालूम है हम किस पर्याय में थे नहीं मालूम ना। आज के इस महाकलयुग में नहीं साक्षाये वर्णन ग्रंथों में आया था ग्रंथों में आया था मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। कोई बात नहीं ये नहीं मालूम कि हमने कहाँ जन्म पाया था पर आज तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश की पावन धरती पर आपने हमने जन्म पाया है और उस समय हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ जिसके कारण हम पंचम काल में पैदा हुई और आज सम्यक दर्शन हमें गुरु सानिध्य में समोसरण के बीच में कृत्रिम समोसरण में भी प्राप्त हो रहा है। जिनको सम्यक दर्शन है दृढ़ हो रहा है जिनको बाई चांस सम्यक दर्शन नहीं है मैं तो समझती हूँ सारे स्वाध्यायी लोगों को है ही सम्यक दर्शन तो समोसरण में तो निश्चित हो ही जाएगा सम्यक दर्शन। भगवान ऋषभ देव के समोसरण में चक्रवर्ती भरत को क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया था। भगवान महावीर के समोसरण में राजा श्रेणिक को क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया था।